सत्ताधीशों व भाजपाइयों के ऊपर धन कमाने एवं रीवा शहर को मकर जाल में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि रीवा की हृदय स्थली कोठी कंपाउंड में स्थित विंध्य प्रदेश का पुराना हाईकोर्ट भवन, जिसमें कई अरसे से जिला एवं सत्र न्यायालय भवन संचालित है, जहां चंद कदमों की दूरी पर कमिश्नरी एवं रेवेन्यू कोर्ट स्थित है तथा शिल्पी प्लाजा सहित आस पास के 200 मीटर के एरिया में अन्य संभागीय कार्यालय मौजूद है, वही 200 मीटर की दूरी पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन, 30 मीटर की दूरी पर फोरम न्यायालय, 50 मीटर की दूरी पर कुटुंब न्यायालय, 70 मीटर की दूरी पर आयकर भवन तथा जिला न्यायालय भवन के 200 मीटर के दायरे में आईजी एवं डीआईजी कार्यालय तथा एसपी कार्यालय मौजूद है तथा पास ही संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं एवं मुख्य बाजार बैंक सुविधाएं स्थित हैं। वर्तमान संचालित न्यायालय भवन ऐतिहासिक व सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त क्षेत्रफल के साथ शहर के मध्य व सभी संभागीय कार्यालयों से लगा, जो जनहित में सरकार व न्यायपालिका के सस्ता सुलभ न्याय की भावना से भी उचित था। उक्त न्यायालय भवन को अधिवक्ताओं, पक्षकारों, जनमानस के भारी विरोध के बाद भी सन 2014 में व्यावसायिक लाभ के लिए भाजपा के स्थानीय विधायक मंत्री के अथक प्रयासों से नवीन न्यायालय भवन का निर्माण पहले एजी कॉलेज की भूमि पर, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि पर, फिर नवीन कलेक्ट्रेट भवन एवं वर्तमान जिला न्यायालय भवन के बीच रिक्त भूमि पर ले जाने का प्रयास किया गया। इस दौरान विरोध जारी रहा और वर्तमान में नवीन जिला न्यायालय भवन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बनकर शुभारंभ की राह देख रहा है। इन सभी घटनाक्रमों के दौरान जहां रीवा जिले का समूचा जनमानस कोर्ट भवन यथावत की मांग करता रहा, वहीं सांसद एवं वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा से जनार्दन मिश्रा अधिवक्ता होने के बावजूद भी मूक दर्शक बनकर स्थानीय विधायक मंत्री के स्वर में स्वर मिलाते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि रीवा जिले का अधिवक्ता पक्षकार आम नागरिकों के साथ साथ स्वयं रीवा शहर भाजपा सरकार के प्रकोप से भारी मकर जाल में फंस चुका है, जहां अधिवक्ता एवं पक्षकार परेशान होंगे, न्याय महंगा होगा, शहर में जाम के हालात बनेंगे, जबकि सुविधा की दृष्टि से नवीन कलेक्ट्रेट भवन, मार्टन स्कूल के एरिया से लेकर कमिश्नरी एवं वर्तमान संचालित जिला न्यायालय भवन का इलाका सुविधा एवं सस्ता सुलभ न्याय की मंशा की दृष्टि से बेहद उपयुक्त था, लेकिन बीजेपी की तानाशाही के चलते वर्तमान संचालित जिला न्यायालय भवन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित नवीन जिला न्यायालय भवन में जाने की तैयारी में है, जो वर्तमान जिला न्यायालय भवन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लेकिन अब पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के ऊपर एक और पहाड़ टूटता दिखाई दे रहा है। वर्तमान जिला न्यायालय भवन के पास स्थित कमिश्नरी कोर्ट को लगभग 4 किलोमीटर दूर बिछिया स्थित संस्कृत कॉलेज की जमीन पर ले जाने की तैयारी चल रही है, और जबकि इसके पहले भी एसडीएम एवं तहसील न्यायालय हुजूर को कलेक्ट्रेट भवन से 1.5 किलोमीटर दूर कमिश्नर आवास के पीछे स्थापित करने भवनों का निर्माण कार्य जारी है। शायद रीवा वासियों को यह मालूम नहीं होगा कि जिला न्यायालय भवन के सामने स्थित गंगा कछार कार्यालय की बिल्डिंग ढहाकर जमीन को बेच दिया गया, ऐसी खबर है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपाइयों को रीवा वासियों के सुख सुविधाओं से कोई मतलब गरज नहीं है, उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ धन कमाना है और शहर की बेशकीमती जमीनों को औने पौने दाम पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को सौंपकर अपनी तिजोरी भरना है। साथियों, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। मैं रीवा के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, आज यहां भाजपा के सत्ताधीशों और नेताओं के चक्कर में पूरा शहर मकर जाल में फंस चुका है। वकील संकट में है, पक्षकार संकट में है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि रीवा का जो वर्तमान जिला न्यायालय है, वो रीवा के हृदय स्थल पर बसा हुआ था। उसके चंद कदमों पर कमिश्नरी, चंद कदमों पर रेवेन्यू कोर्ट, और वहां से 30 मीटर दूरी पर फोरम न्यायालय, 50 मीटर दूरी पर कुटुंब न्यायालय और 70 मीटर दूरी पर आयकर विभाग का ऑफिस है, और वहीं पर 200 मीटर दूरी पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन है, और उसके आसपास 200 मीटर के इलाके पर शिल्पी प्लाजा है, जहां पर कई संभागीय कार्यालय हैं। यहीं पास में डीआईजी ऑफिस है, आईजी ऑफिस है, एसपी कार्यालय हैं। इस तरह से यहां का सिस्टम था
जो रीवा के लिए बेहतर था, यहीं पर मुख्य बाजार हैं, यहीं पर चिकित्सा की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, बैंक हैं, सारा सिस्टम यहीं पर था और सारे पक्षकारों को, वकीलों को बहुत ही शालीनता और सस्ते रास्ते से जा करके वो न्यायपालिका के कामों में भाग लेते थे और जनता का हित कल्याण होता था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां 2014 में यहां के स्थानीय मंत्री और वर्तमान विधायक ने एक खाका तैयार किया जिला न्यायालय भवन को हटाने के लिए, और वो भी धन कमाने के उद्देश्य से सत्ता सरकार के लोगों ने ऐसा कदम उठाया। तो वही नवीन जो हमारा अभी जिला न्यायालय है, पहले उसको एजी कॉलेज ले जाने की तैयारी हुई, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाने की तैयारी हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर विरोध हुआ तो फिर से वो कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय के बीच रिक्त भूमि पर उसका खाका तैयार हुआ। इसके बाद फिर सरकार के लोगों ने गड़बड़ी करके इंजीनियरिंग कॉलेज कोर्ट ले गए, जहां पर कोर्ट बनकर तैयार है और शुभारंभ का इंतजार कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान जिला न्यायालय भवन से और जो नवीन कोर्ट भवन है वो 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। फिर सरकार ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन से तहसील एसडीएम कोर्ट हटाने का काम किया तो कमिश्नर आवास के पीछे 1.5 किलोमीटर दूरी पर निर्माण कार्य चल रहा है। अभी एक जानकारी हुई है कि जो कमिश्नरी कोर्ट है वो बिछिया में जहां पर संस्कृति कॉलेज है वहां पर ले जाने का खाका सरकार ने बना डाला है, और उस संस्कृत कॉलेज को हटा करके लक्ष्मण बाग एरिया में ले जाने का खाका भी तैयार हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है इसके चलते हमारा न्याय महंगा होगा, पक्षकारों को दिक्कतें होंगी, वकीलों को दिक्कतें होंगी, शहर में जाम लगेंगे, जाम के हालात बनेंगे, तमाम तरह से रीवा को मकड़ जाल में फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और सत्ता सरकार के लोगों ने, भाजपाइयों ने ऐसा कदम उठाया है। और इस कदम में जो हमारे वर्तमान सांसद हैं और वर्तमान बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र हैं, वो भी पेशे से वकील थे, लेकिन स्थानीय विधायक के बात में सुर मिलाते रहे, कभी उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया है। अब फैसला आपके सामने है, फैसला आपको लेना है, फैसला नजदीक है। मैं यही गुजारिश आपसे करने के लिए मैं निवेदन किया हूं, फैसला आपको लेना है। आपको ये रीवा को बचाना है तो आपको कड़े फैसले लेना होगा। सभी साथियों से सादर मेरा निवेदन है, जय हिंद, धन्यवाद। बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी, मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज, रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मैन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली, पानी, नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री, आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966936257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।